हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स क्रिकेट चैनल। आज की श्रृंखला बात करने वाले हैं इंडिया और श्रीलंका के फर्स्ट T20 इंटरनेशनल मैच के बारे में, जो कि क्लैश होने वाला है आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में। तो मैच का प्रीव्यू करेंगे और प्रेडिक्शन करेंगे, तो जरूर से इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। उससे पहले आपको बता दूं विराट क्रिकेट टिप्स के बारे में, जिनके पास आपको TNPL के मैचेस और जो अभी इंटरनेशनल मैचेस चल रहे हैं और जो 100 के भी मैचेस चल रहे हैं, उन सभी मैचेस में रिपोर्ट मिलेगी। आपको ये मैच की विनर टीम देंगे, साथ में सेशन और टॉस भी देंगे, जिससे आपको एक रन फायदा ही होगा। अगर आपका कुछ लॉस है तो वो भी आप इनकी रिपोर्ट से कवर कर सकते हैं। तो नंबर डिस्क्रिप्शन में जाइए, जल्दी से इन्हें मैसेज कीजिए। तो भाई, शुरुआत करेंगे श्रीलंका की टीम से। श्रीलंका की टीम ने तीसरे ओडीआई को जीता था। ओडीआई सीरीज को जरूर हारे थे, पर तीसरा ओडीआई जीतने के कारण थोड़ा सा मोमेंटम इनके साथ है, थोड़ा सा पॉजिटिव भी ये फील करेंगे। T20s में हालांकि रिसेंटली इनका परफॉर्मेंस काफी बुरा रहा है। पिछली जो इन्होंने सीरीज खेली थी वो इंग्लैंड के खिलाफ इन्होंने खेली थी, जिसमें व्हाइट वॉश हुए थे, तीनों ही मुकाबले हार गए थे। इस समय ICC T20 रैंकिंग्स में भी श्रीलंका 9th पोजीशन पर है, तो आप समझ सकते हैं कि रिसेंटली श्रीलंका का T20s में परफॉर्मेंस काफी बुरा रहा है। पर यह सीरीज श्रीलंका के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इस साल होने वाले वर्ल्ड कप के अपनी प्रिपरेशंस को भी और मजबूत करने के लिए, और साथ ही में अपनी ICC रैंकिंग्स को सुधारने के लिए और वर्ल्ड कप से पहले कुछ मोमेंटम भी अपने साथ करने का। यह बहुत ही बढ़िया श्रीलंका के पास मौका है। अब बात कीजिए टीम इंडिया की, तो इंडिया का परफॉर्मेंस ओडीआई सीरीज में बहुत बढ़िया रहा था। तीसरे ओडीआई को छोड़ दिए तो पहले दोनों ही ओडीआईज में इंडिया ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया था। सेकंड ओडीआई में जरूर बैटिंग ऑर्डर में थोड़ा सा हमें कोलैप्स देखने को मिला था, पर रिजल्ट इंडिया के ही फेवर में रहा था, तो एक अच्छी चीज है। सीरीज को अपने नाम करने से इंडिया के यंग खिलाड़ियों का कॉन्फिडेंस भी काफी ज्यादा हाई होगा। T20 रैंकिंग्स में इंडिया इस समय सेकंड स्पॉट पर है, और हालांकि इंडिया की ए टीम नहीं है, पर फिर भी ऑन पेपर मुझे इंडिया की टीम अभी भी श्रीलंका से ज्यादा बेहतर लगती है। टीम इंडिया के लिए भी सिमिलरली एक बहुत ही बढ़िया मौका है अपने नए खिलाड़ियों को ट्राई करने का, नए खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल का एक्सपीरियंस देने का और अपनी वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन करने का, वर्ल्ड कप की तैयारी करने का। तो दोनों ही टीमों के पास एक काफी अच्छा मौका है। इस मैच के मेरी ड्रीम इलेवन टीम की बात की जाए तो कैप्टन में बना रहा हूँ पृथ्वी शॉ को, वाइस कैप्टन में ईशान किशन को बना रहा हूँ। आप चाहे तो हार्दिक पांड्या को भी कैप्टन या वाइस कैप्टन बना सकते हैं। जैसा मैंने बताया, यह मैच खेलने वाला है आर प्रेमदास स्टेडियम कोलंबो में। यहाँ पे पिच की बात की जाए तो अभी तक जो यहाँ पे टोटल 35 T20 मैचेस खेले गए हैं, उनमें एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर रहा है 158 का, यानी ज्यादा हाई स्कोर मुकाबले यहाँ पे नहीं होते हैं। इसके अलावा यहाँ पे टॉस जीतने बाद रिकॉर्ड की बात की जाए तो रिकॉर्ड लगभग जो है सिमिलर ही है। रिकॉर्ड पहले बैटिंग या पहले बॉलिंग को ज्यादा फेवर नहीं करता, पर फिर भी वेदर क्योंकि बारिश का चांस है, वेदर फोरकास्ट कहती है कि मैच के दौरान बारिश होगी, तो दोनों ही टीमें पहले बॉलिंग करना ही पसंद करेंगी। मैच के दौरान बारिश का चांस बहुत ज्यादा है, मैच जो है हमें नो रिजल्ट होते हुए देखने को मिल सकता, पर फिर भी मेरा मैच प्रेडिक्शन रहेगा टीम इंडिया। हालांकि बारिश मैच के रिजल्ट में भी बहुत बड़ा रोल प्ले करेगी। बाकी आपको क्या लगता है कमेंट करके बताइए। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद।